हरे कृष्णा। भगवद गीता का अनमोल ज्ञान लेने के लिए सब्सक्राइब करें गिव गीता चैनल को, और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। जय गौर हरि, हरे कृष्णा। जय गौर हरि, हरे कृष्णा। आप कुछ प्रश्न करने वाले थे, बोलिए क्या प्रश्न है। हाँ गुरुजी, मेरा ये प्रश्न कोरोना वायरस के संदर्भ में है। इस समय सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारे वीडियो और टेक्स्ट मैसेज भेजे जा रहे हैं जिसमें कि इस तरह की जानकारियाँ हैं कि यह वायरस कहाँ से आया, ये बीमारी कैसे फैलती है और इससे कैसे बचना चाहिए। लेकिन मेरा प्रश्न थोड़ा अलग तरह का है। अभी सारा विश्व समुदाय इस वायरस से भयभीत है, तो इस भय को इस समय कैसे कम किया जा सकता है? कोई भी चीज़ को करने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि उसका कारण क्या है। भय जो है वो कारण नहीं है, भय कारण नहीं है। भय तो क्या है, उसका सिम्टम है। जी, तो भय का कारण क्या है? भय का कारण होता है अज्ञानता। आप बोलोगे ऐसे कैसे, क्योंकि भय का मतलब यह है कि आपको पता नहीं कि क्या होने वाला है, आपको पता नहीं कि क्या होने वाला है। तो आज विश्व भर में यही स्थिति है कि लोगों को पता नहीं कि क्या होने वाला है, क्या होगा, इसके कारण वो भयभीत हैं। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये अज्ञानता के कारण होता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं। और मैंने बताया भी आपको एक बार पहले कि ऐसे आप अंधकार में चले जाएँ, अंधेरे कमरे में चले जाएँ, या ऐसी जगह चले जाएँ जहाँ अंधकार है, तो आपको पता नहीं कि ये अंदर है क्या, तो एक भय उत्पन्न करता है। ये क्या करता है? एक भय उत्पन्न करता है, क्योंकि आपको पता नहीं है, अज्ञानता है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि यह अज्ञानता दूर कैसे हो सकती है, ये भय दूर कैसे हो सकता है? किस क्या आज ज्ञान की कमी है? नहीं। कितना एडवांसमेंट हो गई टेक्नोलॉजी की कि वुहान में हुई और अमेरिका वाले भुगत रहे। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है ना, ये कि फटाफट पहुंचती है बीमारी भी, फटाफट पहुंचती है, क्योंकि जिन्होंने ये सब कुछ बनाया, ये टेक्नोलॉजी बनाई, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी होगा कि ऐसे बम बनेंगे जो कि पूरे पूरे शहर को ख़त्म कर देंगे। तो ये सिर्फ वायरस का कारण नहीं है, आज पूरा दुनिया भय में जी रही है। इस वायरस से पहले भी लोगों के जीवन में भय नहीं था। भय का एक और नाम क्या है? टेंशन। क्या है नाम? टेंशन। मैं कुछ दिन पहले, मुझे कोई बता रहा था कोरोना वायरस से कम लोग मरे हैं, सुसाइड से ज़्यादा मरे हैं, सुसाइड से अधिक लोग मरे हैं, परंतु हमने कभी उस पर गौर नहीं किया, हमने कभी उसको, मैं थोड़ी कर रहा हूँ, दूसरा कर रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है। परंतु आज इस वायरस ने हमें क्या सिखा दिया कि आज वो घर घर प्रवेश कर गया, हर व्यक्ति के जीवन में आ गया। तो इसका हल कहाँ मिलेगा? इस भय से बचने का हल कहाँ मिलेगा? क्योंकि आज आपने इलाज भी ढूंढ लिया इस वायरस का, जो कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसका हल मिल जाए। अगर हल ढूंढ भी लिया, क्या उसके बाद लोगों के जीवन से भय निकल जाएगा? और भय है किसका? ये मृत्यु का दूसरा नाम है, कोरोना वायरस ये मृत्यु का एक दूसरा नाम है। आज लोगों को डर लगने लगा कि कहीं मुझे ना लग जाए। वायरस का डर नहीं है, डर किसका है? मृत्यु का। इसका उत्तर भगवान ने भगवद गीता में बड़े स्पष्ट रूप में दिया है, ये कहकर, स्वल्प अपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। स्वल्प, स्व का मतलब होता है बहुत, अल्प का मतलब कम, थोड़ा मतलब बहुत थोड़ा। क्या बहुत थोड़ा? स्वल्प अपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। स्वल्प यहां इस्तेमाल किया गया इसलिए, बहुत थोड़ा किसका? धर्म के पथ पर जो चलता है, जिसने धर्म के अध्यात्म को, जो अध्यात्म के पथ पर चलता है, जानता नहीं, सिर्फ जानना एक बात है और उस पर चलना एक दूसरी बात है। तो जो धर्म के रास्ते पर चलता है, थोड़ा सा भी चल देगा
त्रायतो तार देगा, किस चीज से तार देगा? महतो, महत का अर्थ मतलब बहुत बड़ा, ह्यूज, भयात, भय से, किससे? भय से तार देगा, क्योंकि भय आज इतना जबरदस्त हो गया है। देखिए आप, क्या अभी हुआ ना पीछे दिल्ली के अंदर, एक व्यक्ति को सिर्फ ये शक किया गया कि इसको 31 साल का व्यक्ति बाहर विदेश से आया, उसमें शक था सिर्फ कि हो सकता है जो सिम्टम ये दिखा रहा है, जो लक्षण दिख रहे हैं, हो सकता है इसको कोरोना वायरस हो, उसको हॉस्पिटल ले गए तो, और उसका टेस्ट करने के लिए ब्लड निकाला के टेस्ट करेंगे, परंतु वो इतना भयभीत था कि उसने खिड़की से छलांग लगा के सुसाइड कमिट कर ली। लीजिए, टेस्ट का रिजल्ट तो आने देता भाई। तो ये भय की स्थिति बड़ी गंदी होती है, और इसको दूर करने का एक ही तरीका है, और कोई तरीका है नहीं। कि आप क्या करें जीवन के अंदर, धर्म क्या है जाने, मैं रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आध्यात्म की बात कर रहा हूं, मैं स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा हूं। कई बार लोग आध्यात्म को और रिलीजन को एक ही मान लेते हैं, नहीं, आध्यात्म अलग है। तो आप कहोगे अभी क्या करें, अभी क्या करें, प्रश्न उठेगा कि आपने बता दिया कि भय तो दूर हो जाएगा, किससे? धर्म के रास्ते पर चलने से। और भगवद गीता जो है ये आध्यात्म की किताब है, ये किसी देश की नहीं है, किसी देश के लिए नहीं है, ना तो स्त्री के लिए है, पुरुष के लिए, सबके लिए है ये। इसमें आप सिलेक्ट नहीं करते, ये ज्ञान है। ज्ञान को सूरज के समान बताया गया है, सूरज हर देश में चमकता है, वो भारतीय सूरज नहीं है, अमेरिकन सूरज नहीं है, जापानी सूरज नहीं है, सूरज तो सूरज है। तो इसी तरीके से ये भगवद गीता का ज्ञान जो है, ये भगवान कहते हैं भगवद गीता के 9वें अध्याय के अंदर भी कह रहे हैं इस बात को, कि जो इस ज्ञान को जान जाता है, यद ज्ञात्व मोक्षस्य अशुभात्, जो इस ज्ञान को जान जाएगा उसको अशुभ से मुक्ति मिल जाएगी। तो हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि इस भगवद गीता को जीवन में लगाइए, और इमीडिएटली क्या कर सकते हैं, बोलते हैं ना अर्जेंटली क्या कर सकते हैं इस टाइम, तो उसके लिए फिर उपनिषदों के अंदर आया है, कली संत्र उपनिषद है कि उसमें नारद जी ने यही प्रश्न किया ब्रह्मा जी से कि इस कलियुग के जीवों का क्या होगा, क्योंकि ये तो किसी ना किसी चीज से हर टाइम इनको तंग होते रहेंगे, इसका निवारण क्या है? तब उन्होंने कहा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम् नाम नाम, ये जो 16 नाम दिए गए हैं, कली कलमश नाशनम, कलियुग के अंदर सारे कलमश गंदगी, वायरस गंदी है, गंदगी है कि नहीं, कली कलमश नाशनम, नाश कर देगा, ना तह परत्रुपाय, इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है। सर्व वेदेशु दृश्यते, सर्व सारे वेदेशु, वेदेशु का मतलब समझिए, वेद का अर्थ होता है ज्ञान, आप सारे ज्ञान को ढूंढ लेंगे इस विश्व के अंदर, तब भी आपको ऐसा तरीका नहीं मिलेगा। परंतु ये ध्यान रखिएगा, इसका ये नहीं मतलब कि आज जो डॉक्टर हैं वो शरीर का ध्यान रखते हैं, उन्होंने आपको कुछ चीजें बताई हैं करने के लिए, वो भी करना आवश्यक है, परंतु ये जो मैं आपको बता रहा हूं हरे कृष्ण महामंत्र, ये करिएगा। जब गाड़ी नहीं चल रही होती, चढ़ नहीं रही होती है ट्रेन, तो डबल इंजन लगा देते हैं, क्या लगाते हैं? तो आज मैं आपसे अनुरोध करूंगा, ये इंजन लगाइए ना, ये स्पेशल इंजन है, 21 दिन क्या करोगे? हरे कृष्ण महामंत्र करके परिवार साथ बैठे हरे कृष्ण महामंत्र का घंटे भर कीर्तन करें, फिर अपने आप भी जप करते रहें, जप का मतलब सिर्फ बोलें और सुने, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोलें और सुने। तो करें तो आप पहले रिजेक्ट कर दोगे, रिजेक्ट मत करिए, रिजेक्ट मत करिए, मृत्यु तो आनी है, आज नहीं तो कल, भयभीत कौन होता है मृत्यु से, जो सोचता है मृत्यु दी एंड है, परंतु आध्यात्म तो ऐसा नहीं कहता, आदमी तो कहता है कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, तुम क्या हो? आत्मा हो, शरीर नहीं हो, और आत्मा की मृत्यु नहीं होती, उसके अलावा हमारी कभी मृत्यु नहीं होती। और ये भगवान ने कहीं भी नहीं कहा है कि मृत्यु नहीं आएगी, भगवान ने कहीं नहीं कहा,
परंतु हम भयभीत नहीं होंगे। वो कहते हैं ना, कहावत है कि जो साहसी व्यक्ति होता है वो एक बार मरता है, और डरपोक डरपोक बार बार मरता है। तो आज ये भय जो है ना, ये आपको बार बार मार रहा है। मृत्यु तो पता ना लगे कि अभी आएगी नहीं आएगी, क्या पता नहीं आए, भगवान करे कि नहीं आए, परंतु आप कितनी बार मर लिए हैं जी, कितनी बार मर लिए आप, जितनी बार डरे उतनी बार मरे। परंतु पागलों वाला भी साहस नहीं होना चाहिए, साहस आपका ज्ञान पे बेस्ड होना चाहिए, तब वो टिकेगा। इसलिए फूल हार्डी भी नहीं होना चाहिए, मूर्ख वाला कहते ना मूर्ख वाली हीरोइज्म, नहीं मूर्ख वाली नहीं, इट शुड बी बेस्ड ऑन नॉलेज, ज्ञान पे आधारित होनी चाहिए। तो इसीलिए इसको जानिए, भगवत आप कहीं भगवत गीता जाने, हमने आपके लिए 14 घंटे के अंदर, जरा बताइए 21 दिन, अब तो 19 रह गए हैं जी, 18 रह गए, हम तो आपसे सिर्फ 14 घंटे मांग रहे हैं। 14 घंटे में आपको वो ज्ञान आ जाएगा जिससे ये भय खत्म हो जाएगा। मैं आपसे सिर्फ 3% टाइम मांग रहा हूं, इस 21 दिन के अंदर आपके पास क्या करने को है, कुछ नहीं करने को है, 3% 14 घंटे। देखिए भय फुर हो जाएगा। और साथ में एक चीज ध्यान रखिएगा, ये अभी आपको जो मैंने बताया है, एक ये कली संतरण उपनिषद के अंदर बताया गया है, ये मंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबसे अनुरोध है मेरे पीछे दोहराइएगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितना सरल है, मुश्किल है? और आप किसी अवस्था में भी कर सकते हैं इसको, मैं नहाया नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, अरे मैंने कपड़े सही नहीं पहन रखे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को बैठ के करना पड़ेगा, नहीं कोई, ये दो चीजें कह रहा हूं करने को, ये भगवान की प्रॉमिस है भाई, ये मेरी प्रॉमिस नहीं है। स्वल्पपि अस्य धर्मस्य त्राय तो महतो भयात्, तर जाओगे बड़े से बड़े भय के से, मृत्यु से बड़ा भय नहीं होता कोई। परंतु फिर रिपीट कर रहा हूं, जो मेडिकल डॉक्टर्स ने एडवाइस किया है कैसे आपको चलना है कैसे रहना है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि इस शरीर का भी ध्यान रखना है, क्योंकि मैं आत्मा हूं और ये शरीर मेरा यंत्र है, ये शरीर को मैं यूज करूंगा आगे बढ़ने के लिए, दो इट विल फॉल वन डे, क्योंकि एक दिन ये गिर जाएगा खत्म हो जाएगा, परंतु जब तक मैं अपनी तैयारी कर लूं कि मैं आगे कैसे चलूंगा। आपका अगर कोई और भी प्रश्न हो तो आप askask@givegita.com पे पूछ सकते हैं, askask@givegita.com, या अब हमें कॉल भी कर सकते हैं 9210531053 9210531053। डर को एक्सटर्नल चीज़ों से मत भगाओ, डर इंटरनल है एक्सटर्नल नहीं है। कई लोग सोचते हैं शराब पी लेंगे पिक्चरें देखेंगे कोई अपना टाइम किसी तरीके से माइंड को डाइवर्ट करेंगे उससे भय खत्म हो जाएगा, उससे भय खत्म नहीं हुआ, आपने टाइम वेस्ट कर दिया, भय इंटरनली खत्म होगा। और वो जो नॉलेज लोगे ये ज्ञान लोगे धर्मस्य, भगवान को मानने का मतलब समझिए, राम का घर या राम की बात कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राम की मंदिर भी इंपॉर्टेंट है राम का मंदिर, परंतु उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, राम की बात। तो भगवद गीता क्या है, राम की बात। तो आप सबसे मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि इस 21 दिन का पूर्ण इस्तेमाल करिए, इस भगवद गीता का ज्ञान लीजिए। ये तो भारतवर्ष में ही लगा है, कितना तो अच्छा हो गया, भारतीय हो भारतीय बनो ना, जानो तो भारतीय संस्कृति क्या है। हर संस्कृति का एक दर्शन होता है जिसके ऊपर वो संस्कृति टिकी होती है, तो उस दर्शन को जानिए, इस समय का सदुपयोग करिए। अब प्रश्न उठेगा कि 14 घंटे हम कहां से लाएं, किधर से मिलेगा, बड़ा सरल है, givegita.com/geetaaudio givegita.com/geetaaudio से आप इसको
डाउनलोड कर सकते हैं। आप पूछें कितने पैसे, जो दान देना चाहे, जो इच्छा हो, जो इच्छा हो, इस पे कोई ये प्राइस नहीं। दिस इज डिपेंडेंट ऑन योर स्वीट विल, आपकी इच्छा पे। धन्यवाद। जय गौर हरि, हरे कृष्णा।